हाँ भाई, तो बहुत सारे लोगों के डीएम्स आए हैं। बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है कि भाई ये जो अरमान मलिक है उसका क्या हुआ। ठीक है, तो जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, यार देखो साफ सुथरी बात ये है कि अभी सारी चीजें शुरू हुई है, तो धीरे धीरे इसका सारा पोल पच्चा धीरे धीरे से बाहर आएगा। ठीक है, उसके अलावा दूसरे कुछ बड़े बड़े अकाउंट्स हैं जिन लोगों ने भी मेरा कॉन्चेक किया है, उन लोगों ने भी मुझे एक क्या बोलते हैं, हाँ उन लोगों ने भी मुझे बोला है कि भाई अगर आपको हमारी कोई हेल्प की जरूरत रहेगी तो वी डेफिनेटली ज्वाइन योर लाइव एनी टाइम। तो ये जो अभी मतलब ये देखो, दिस इज नॉट काइंड ऑफ एनी कॉन्ट्रोवर्सी, ये कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है। यहाँ पे एक वुमेनाइजर जिसने बहुत सारी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद कर दी, बहुत सारी लड़कियों को इसने डरा धमका के रखा, एक 11 साल की लड़की का रेप किया, उससे पहले इसने किडनैप किया था, तो यहाँ पे ये कोई कॉन्ट्रोवर्सी है ही नहीं। मैं तो सिर्फ लोगों को ये गुहार लगाता हूं कि यार अगर तुम एक इंस्टाग्राम के ऊपर, अगर तुम पॉपुलर हो, तुम इंस्टाग्राम के ऊपर एक इन्फ्लुएंसर हो, तुम पब्लिक का हराम के व्यूज के तुम पैसे खा रहे हो, राइट? तो वही पब्लिक का तुम मतलब कैसे कैसे मतलब के तुम चूतिया काट सकते हो। चूतिया इन द सेंस के भाई तुम इतने घटिया इंसान मादरचोद, तुम लोगों की माँ बहने मतलब इतनी गंदी कैसे हो सकती है? मतलब ऐसी कैसी कोख होगी, किस माँ की ऐसी कोख होगी जो ऐसे रंडी के बच्चे को इस दुनिया में जन्म दिया, राइट? तो भाई बात यहाँ पे ना तो ये कोई कंट्रोवर्सी की है, ना तो यहाँ पे मैं कोई हराम का फेम लूटने, क्योंकि सब लोगों को पता है कि पनोनी भैया एक सोशल मीडिया पे एक ऐसी तस्वीर है, एक ऐसा चेहरा है कि ना मैंने आज तक कोई फेम के लिए कुछ किया ही नहीं। फेम के लिए मुझे क्या करना है? मेरा तो सालों से वही 62 का ही अकाउंट है, मैंने कौन सा फेम लेके किसी का कुछ करना है? हाँ, तो इसकी जो वीडियोस बनाती है, जो इसका औरत का नाम है पूनम, मतलब कि ये जब लड़कियों को वीडियो में काम देने के लिए लड़कियों को जो झांसा देता था, लालच देता था, और उसके बाद उसके साथ जो असली हरकतें होती थी, तो वो असली हरकतें की जो वीडियो है ना, ये रंडी बनाती थी। देखो मैं तुमको दिखाता हूं, एक मिनट देखो। ये रंडी को तो अभी पनौड़ी आर्मी के कुछ ही लड़कों ने टैग किया था, लेकिन इस कुतिया रंडी को पता नहीं है कि इसकी बूढ़ी माँ के भोसड़े तक घुस जाऊंगा मैं, इसको पता नहीं। अब ये देखो क्या हवाबाजी कर रही है, मैं दिखाता हूं तुम लोगों को, एक मिनट। ये देखो क्या बोल रही है ये रानी, सुनना ध्यान से। आज रात को 10:30 बजे लाइव आ रही हूँ अपने चैनल पूनम टॉक से, क्योंकि आज आज की लाइव में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि एक पनौड़ी नाम का आदमी जिस औरत के द्वारा भेजा गया है, जिसने मेरी इंस्टा आईडी बताई है उस पनौड़ी को, और उस पनौड़ी ने मुझे जिस तरह के गंदे और घटिया मैसेज किए हैं, और जिस तरीके की उसने गालियां दी है, और जिस तरीके से मेरे बच्चों को और मेरे पति को उसने धमकी दी है, बर्दाश्त नहीं होगा पनौड़ी। पूनम पराशर है मेरा नाम, मेरी औकात नहीं है, अपनी औकात में रही हो, समझा? क्यों रंडी दीदी? ओ रंडी दीदी, रंडी दीदी, जब तुम्हारी माँ बहनों पे, जब तेरे बच्चों पे बात आई, तो कैसे तेरा कलेजा छल्ली छल्ली हो गया? तो दूसरों की बेटियां बेटियां नहीं है रे रांड, जिन बेटियों को तेरी माँ का भोसड़ा, तेरी तेरी बच्ची की चूत में हाथ डाल के पूरा बांध निकाल दूंगा मैं। जब तू उन बेचारी लड़कियों की जब तू शूटिंग करती है मादर चोद, वो ड्रग्स के इंजेक्शन देके, तब तेरी ममता नहीं उभरती रे रांड, तब क्या हो जाता है रंडी तेरी ममता को? रुख, तेरी बहन चोदता हूं आज मैं। देख अभी तो कुछ ही लौंडो को लगाया था, तेरे भोसड़े तक घुस जाएंगे ये मेरे आर्मी के लड़के, तुझे पता नहीं है। रुक तू, एक मिनट।
एक मिनट दिखाता हूँ इसका आईडी में। जब तू रांड मासूम लड़कियों को फंसाती है, उनकी तू शूटिंग करती है, जब तू मासूम लड़कियों को तू गाली देती है, मासूम लड़कियों को जब तू रंडी बोलती है, तब तेरा कलेजा नहीं कलपता रे रांड। आज तेरी बच्ची को अभी तो कुछ किया ही नहीं है मैंने, अभी तो तेरे बाप ने बहुत टाइम बाद स्टार्ट की है ये सारी चीजें। बहुत सुधर चुका था मैं 6-7 महीने से, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये मादर चोदो को उनकी भोसड़े में हाथ डालना पड़ेगा, तब भी जाके इन लोगों को समझ आएगी कि इज्जत क्या होती है, रिस्पेक्ट क्या होती है। देखो भाई इसका अकाउंट है, एक मिनट दिखाता हूं मैं रांड का अकाउंट। और सुनो रंडी, तुझे इतना कल्पा दूंगा मैं, सबसे पहले तेरे से स्टार्ट करूंगा, उसके बाद तेरा जो दल्ला है ना वो ड्राइवर बूढ़ा, वो बूढ़े की फैमिली को नंगा कर करके मारूंगा मैं, ये देख। और उसके बाद तेरा अकाउंट उड़ा दूंगा मैं, ये देख रांड भाई, ये कमेंट ऑफ कर रहा हूं मैं, ये देखो इसका अकाउंट है भाई, देख लो ये रंडी का अकाउंट है ये, एक मिनट, ये रहा इस रंडी का अकाउंट, देख लो भैया, ठीक है, देखो भैया, तेरे फेसबुक पेज का भी भांग भोसड़ा कर दूंगा मैं तुझे। तू ये बोलती है ना कि इंडिया आ जा, तेरे बाप को इंडिया आने की जरूरत नहीं है, पूछ लियो तेरे बड़े बड़े बाप से कि पनौड़ी क्या चीज है, वो समझी, तेरे बाप अरमान को पूछ लेना कि पनौड़ी क्या चीज है, वो समझी ना। अभी तो तू देख तेरे पूरे तुम लोगों का ये जो पूरा मादर चोद, तुम लोगों की ये जो गैंग है ना, जो लड़कियों को, और सुनो रंडी क्या नाम था उसका, उसकी बीबी का, एक मिनट देखो भाई, इसकी बीबी सबसे पहले किसको डेट करती थी, ये रंडवे को भी मैं लाइव पे लेके आऊंगा, इस रंडवे को भी मैं लाइव पे लेके आऊंगा, देखो भाई ये कृतिका, इसने सबसे पहले इसको लूटा था, इसने इसको टारगेट बनाया था, देखो भाई इसने सबसे पहले इसको टारगेट बनाया था, ये कृतिका ने, ये रंडवे के भी फैमिली में घुस जाऊंगा मैं, अगर ये रंडवा शो अप नहीं हुआ, सुन बे ओ रंडवे, अगर तूने आके तेरा मुंह नहीं खोला ना, समझा, तो फिर तू यूं समझ लेना कि तेरे माँ बच्चों की क्या हालत करूंगा वो मैं, देख लो भैया, ये रंडवे को सबसे पहले ये कृतिका ने लूटा था, एक मिनट अभी तो ये देखो, समझा। तो भाई और दूसरी चीज अब मैं बताता हूं, सुन बे ओ तेरी बहन की चूत, तेरी ये क्या नाम था वो रंडी के बच्चे का, तहल का प्रैंक, बहन के लौड़े, अभी तूने 4 दिन पहले तूने मादर चोर लोगों का अटेंशन पाने के लिए तूने लोगों को क्या बोला, तहल का प्रैंक, के तू बहन चोर अरमान मलिक को नंगा करेगा, अरमान मलिक के तू कच्चे चिट्ठे खोलेगा, तूने बोला था ना पब्लिक को, तूने रील डाली थी ना अपनी कि मैं अरमान मलिक का सारा कच्चा चिट्ठा खोलूंगा, उसको पब्लिक के सामने में लेके आऊंगा, तेरी माँ की चूत तेरी, तो तू अब चुप क्यों हो गया रे गंडवे, ओ तहल का प्रैंक, कहीं तेरी बीबी को भी अरमान मलिक ने वीडियो में
काम तो नहीं दे दिया है, कहीं तेरी बीबी का भी कास्टिंग काउच तो मत हो गया है, तहलका तहलका मचा दिया क्या तेरी बीबी ने, इसीलिए तेरे सारे तहलके खत्म हो गए। नू बता, तूने तो बहुत ही तहलके से रील बनाई थी रे रणवे, तेरा तहलका क्यों ठंडा हो गया के तेरी बीबी को ठंडा कर दिया अरमान मलिक ने, नू बता नू बता, तहलका तेरी घाण क्यों इतनी ठंडी हो गई रे भड़वे। हाँ तो भाई मां चोद दूंगा इन सब लोगों की मैं तो। एनीवेज भाई मैं बहुत मतलब मैं बिजी रहता हूं, ठीक है, कल संडे है, कल तगड़ा खेला करूंगा मैं। दूसरी और लड़की आ रही है रे अरमान तेरी गांड के अंदर भैनचोद सरिया डालने के लिए, और लड़की अभी आई है मेरे सामने प्रूफ के साथ, कर ले अब तेरी गांड का बेल टाइट, तेरी तो पतलून उतार के मारूंगा अब मैं तुझे, समझा। तेरी बहन का भी फोन आया था अरे अरमान, तेरी बहन जो तेरी सगी बहन है ना उसका भी फोन आया देख मैं क्या करता हूं कल। और सुनो टहलका, तेरी जिंदगी में अगर मैंने टहलका नहीं मचा दिया ना तो पनोनी नाम नहीं मेरा। जितने भी मेरे आर्मी के लड़के हैं, जितने भी लौंडे हैं, भाई सब लोग रेडी हो जाओ, बहुत दिन बाद लोगों की मां चोदने का टाइम आ चुका है। बहुत हुआ ये सब पुराने खेले, तो सब पुराने खेले भूल जाओ, पकड़ लो ये पायल को, मां चोद दो ये टहलका की अकाउंट में घुस के, उसको भी पता चलना चाहिए कि तुम्हारा बाप पनौड़ी आ रहा है, ठीक है। चलो भाई सारे लौंडे जो 6000 लौंडे है पनौड़ी आर्मी में कन्वर्जेशन कर लो सब लोग, इसी नियम में लाइव पे आया था, इनको थोड़ा अब 6 महीने बाद पावर दिखाते हैं, ठीक है। चलो मिलता हूं कल मैं, बाय। सारे लौंडों को प्यार मेरा, बहुत ही अच्छे हैं मेरे ये सारे लड़के, 4 ही लड़कों को लगाया था इसके अकाउंट के पीछे, रांड कलप गई मुझसे कोई नहीं भिड़ पाएगा जब तक मेरे साथ ये मेरी आर्मी है। चलो मिलता हूं मैं कल, भेज दो संदेशा सारे लौंडो लोगों को, बात है, चलो बाय।